की सुबह आ चुकी देखो रोशनी, पर मेरा है खुद पे कोई होश नहीं। दिखे थे सब पर दिखे ना सवेरा, पर क्या कहूँ गमों का पैरा जो मुझ पे ठहरा। बेरुपया जिंदगी किस पे करूँ कितना गौर, सब कहे रुक जा कुछ कहे मैट थोड़ा दौड़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम हैं गर्दान गली पे, हर्षिल के रास्ते पे। हर्षिल यहाँ से 1300 किलोमीटर और मेरे हाथ से ठंडे हो रहे हैं, मुझे ग्लव्स पहन लेने चाहिए लग रहा है कि माहौल काफ़ी ठंडा हो गया है यहाँ पे। इस व्लॉग में हम करने वाले हैं हर्षिल को एक्सप्लोर, हर्षिल के अराउंड की जगहों को आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्या है क्या नहीं है वो सब। माहौल हो गया है काफ़ी ज़्यादा क्रेजी, मजाक से हट के लेंस पे घूम तो नहीं है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया है एकदम से, बूंदाबांदी चल ही रही है। बस ये कि तेज़ बारिश नहीं पड़ रही है तो हम ऐसे एक बस दूसरी जगह ट्रैवल तो कर पा रहे हैं। वेट कर रहे हैं थराली आए, पहले तो कुछ खा लें हम। तेज़ क्यों हो रही है, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। मतलब मैं अभी देख के तो नहीं बता सकता, बट जैसे में हम सुबह से मजे में चला रहे थे ना, जो मस्त वेदर हो रहा था, काफ़ी ठंडा हो गया है, रोड सारी भीगी भीगी हो गई हैं। ये रुके हम एक जगह पर, जो उधर बर्फ़ वाले पहाड़ हैं जो अभी दिख नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा हल्की सी बर्फ दिख रही है। बाकी यहाँ पर नीचे नदी बह रही है, क्रेजी माहौल है, जब देख लो। जब हमारी बाइक खड़ी है, बारिश हो रही है यार, चल रहा है, सबसे गलत ही हो गया सीन। तो कहीं जब आप गर्तान गली से नीचे आओगे तो ऐसे व्यू पॉइंट करके एक जगह मिलेगी, यहाँ पर बैठने की जगह भी उन्होंने बनाई हुई है। और ये है इनका व्यू पॉइंट से व्यू, काफ़ी प्यारा, एक वैली का आपको पूरा ऊपर से थोड़ा पूरा व्यू मिलता है, एकदम प्यारा क्रेजी एकदम। फिर हमने अपनी बाइक लगा रखी है। बाकी देखो बारिश तो रुक गई है, सीट से तो नहीं भीग रही, बारिश रुक गई है गाइस। ऐसे कुछ नज़ारे आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखने के लिए मिल जाएंगे हर्षिल में। ये रही हमारी बाइक DRL ऑन के साथ, क्रेजी लग रही है, बढ़िया एकदम। हाँ तो गाइस ये है धराली, मेन गांव मेरे हिसाब से वो होगा धराली गांव, बाकी ये धराली की मार्केट है। जैसे गुजरते हैं, इधर है हिमगिरी होटल रेस्टोरेंट, उधर एक आंचल रेस्टोरेंट था, इधर एक जिसमें हम बैठे हैं पूजा रेस्टोरेंट है। बारिश रुक सी गई है, फिर से थोड़ी सी पड़ी जिससे रोड गीली हो गई, फिर रुक गई, तो ऐसे चल रहा है। अभी हमने मंगाए हैं 2 पराठे, 60 रुपये का एक पराठा, वो आएगा तब देखते हैं। बाकी यहाँ लैपटॉप में मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगा रखा है, उधर GoPro चार्जिंग पर लगाया है, डाउन हो गया सब कुछ, सुबह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अभी टाइम कितना हुआ है, टाइम हो रहा है 2:42 गाइस। टेम्परेचर और बताता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ क्या हो रहा है टेम्परेचर देख लो गाइस, टेम्परेचर 10 डिग्री हो रहा है, फ़ोन में 9 डिग्री दिखा रहा है, घड़ी में 10 डिग्री दिखा रहा है। फ़ोन वगैरह मिनिमम 1 चला जाता है, मैक्सिमम 11 जाता है। ऐसा ही है भाई, माहौल हो गया बिल्कुल ठंडा, वैसे भी 10-11 ही था टेम्परेचर, लेकिन धूप वूप थी तो इतना लग नहीं रहा था, अब तो बिल्कुल सुनसा हो गया माहौल। बालों की बैंड बच रही है, अभी 3 बजने वाले हैं हम, हर्षिल पहुंच गए, मतलब गर्तान गली तक हो ही आए, गर्तान गली घूम के आगे ट्रैक करके देख के आ गए वहाँ क्या है। अब नज़ारों के मजे लेते हुए वापस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ तक पहुंच जाएंगे शाम तक देखते हैं वहाँ तक जाएंगे, फिर रात को वहीं आसपास जहाँ भी हमें लगेगा अंधेरा होने वाला है वहाँ कमरा ले लेंगे, और फिर अगली सुबह फिलहाल आज ये वाला व्लॉग अपना हर्षिल के बारे में होने वाला है। देखो गाइस, मैं शादी फोटोग्राफर नहीं, इसलिए खाना रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ। तो ऐसा हमारे पास आलू का पराठा था, ये आधे का आधा है, मतलब इतनी बड़ी प्लेट में ऐसे फ्लिप करके था, तो एक पूरा पराठा था वो, उसके साथ ये आलू मटर की सब्जी 60 रुपये में एक पराठा। फिर से बारिश आ गई है, अब समय है यहाँ से निकलने का, पूजा रेस्टोरेंट को टाटा बाय बाय। सुबह से हमने चला दी गाड़ी 271 किलोमीटर। सेब के पेड़ देखेगा इस, वो देखो सेब, सेब दिख रहा है क्या नीचे, देख रहे हो सेब। यहाँ पे हर्षिल में सेब का बहुत है भाई, बहुत खेत लगे हुए हैं सेब के, बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत छोटा सा है, जब हम एंटर कर रहे थे तो बहुत थे भाई, क्रेजी है ये वाले पेड़, क्रेजी लगते हैं यार ये पेड़, वहीं होते हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है जहाँ तक मुझे पता है। बाकी यहाँ झरना क्रेजी, यहाँ बैठने की जगह बना रखी है, चाहे तो आप बैठ सकते हैं, अपना खाना ला के खा सकते हैं। हाँ तो गाइस ये है एक काफ़ी मेन व्यू पॉइंट जहाँ पर हम अपनी गाड़ी लेकर आए हैं। आई डोंट थिंक सो गाड़ी उतारने का है भाई, है उतार दूँ क्या, उतार देते हैं, क्या खड़ी करेंगे, क्रेजी है यार। यहाँ के पहाड़ अलग हैं, उधर देखो पूरा क्या क्रेजी, पूरे पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। हाँ तो भाई यहाँ पे हमने थोड़े बहुत फोटो खींचे अपने बाइक के, अब यहाँ से वापस चढ़ाते हैं और वापस चढ़ते हैं और अब जाते हैं मेन हर्षिल में, जो अभी तक गए ही नहीं। ये है टूरिस्ट रेंट हाउस हर्षिल, दिस इज वे टू हर्षिल। तो हर्षिल कहाँ है, मैं बताता हूँ आपको हर्षिल कहाँ है। तो बेसिकली जहाँ पर हम सारे में घूम रहे थे वो एक हर्षिल वैली एक एरिया है, हर्षिल एक वैली है नॉट अ प्लेस, हर्षिल वैली उस जगह का नाम है। एंड द प्लेस वी आर हेडिंग टू इज बगोरी विलेज विच इज इन हर्षिल वैली। तो हर्षिल वैली इज एन एरिया एंड बगोरी विलेज इज द पर्टिकुलर प्लेस। आर्मी के एरिया के बीच से निकल के है, एक बारी को ऐसा लगा जैसे पता नहीं जा सकते कि नहीं जा सकते, आर्मी एरिया है बट नहीं, उसी से निकलना है। तो ये एक ब्रिज है हर्षिल में,
बाकी देखते हैं यहाँ क्या है। दिस इज हर्षिला रेस्टोरेंट। अरे हाँ, ये वाला पुल भी है, इस पे चलो यहाँ वीडियो बनाते हैं। हाँ तो गाइस, ये हर्षिल का ब्रिज है जिसकी मैंने बहुत रीलें देखी हैं, और ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, इधर से पहाड़ दिखते हैं, फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। ये बर्ड्स ऑफ हर्षिल हैं, जो बर्ड्स आपको हर्षिल में दिख सकती हैं, ठीक है, पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। फिर से बारिश आ गई है यार, बारिश ने मूड ख़राब करा हुआ है। आगे तो बस होटल से दिख रहे हैं और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे कैफे टे मोमो, यहाँ सब मिलेगा इस कैफे पे, पिज्ज़ा केक जो चाहिए बताओ। ये तो बढ़िया है, वाला पुल है पैदल जाने के लिए। तो कैंप कर रहे हैं कोई, ये होगा डेड एंड आई गेस, पता नहीं। यहाँ से आगे भी एक पुल है जिस पे हम जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। जहाँ तक ये रोड ख़त्म नहीं होगी वहाँ तक ट्राई मार के देखते हैं। बागोरी हर्षिल जा तो रही आगे गाड़ी। ये है गांव, मेन गांव आई गेस यही है, पोताला कैफे वो है, इधर गांव है ये। यहाँ कुछ कुछ लिखा है, यहाँ पे स्तूपा भी बने हुए हैं, स्तूपा बुद्धा टेंपल है, यहाँ पे खुला है, जा सकते हैं। अरे ये कुत्ते ने डरा दिया मेरे को। ये है गांव, सब पुराने पहाड़ी घर, ये भी लकड़ियों से बने हुए। वही दुकान जो खुल रही है उसमें सब खुद ही बन रहे हैं, बेच रहे हैं। नाइस वाइब है जगह की, जो पुरानी ओल्ड पहाड़ों के गांव वाली है वो वाइब है जो भी को। अब जहाँ तक ये रोड जाएगी वहाँ तक जाएंगे भाई, कहाँ तक जाएगी है ऐसी, बस एक सीधी गली चल रही है। इसमें कार तो आप नहीं ला सकते, ऑब्वियसली बात है, हम तो बाइक से इसलिए हम लेके जा रहे हैं। जहाँ तक ये जाएगी वहाँ तक चल के देखते हैं, फिर यू टर्न ले लेंगे है ना जी। बहुत ही हल्की हल्की स्पीड में पूरा गाँव पार कर दिया लाइक हमने। भाई देखो पहाड़ी कुत्ते क्रेजी होते हैं भाई। तो गाइस हम गांव पार करके बिल्कुल ही पार आ गए हैं। यहाँ फिलहाल तो एक नदी टाइप दिख रही है और ऐसे झंडे, पीछे कैंपिंग साइट थी, हाँ लोग कैंपिंग कर रहे थे ऑब्वियसली। और ये डेड एंड है, इससे आगे नहीं जाएगी गाड़ी बाइक भी, इससे आगे तो आप पैदल ही जा सकते हैं। तो ये है हर्षिल का डेड एंड, मस्त मस्त माहौल हो रहा है। बाकी ऊपर को उधर ट्रैक जा रहा है, मतलब हमने बाइक खड़ी करी, वहाँ से पैदल जाना चाहो तो जा सकते। ये है गांव जो दिख रहा है ऊपर, ऊपर से तो पूरा गांव दिख रहा है। ये सेब का खेत है, तो पूरा गांव बना हुआ है, बीच से एक पूरी रोड जा रही है। ऐसे वो खेलता हूँ ना मैं, टाउन्समैन खेला है किसी ने, वैसा लग रहा है बिल्कुल, ऐसे शहर बना रखा हो अपना पुराना सा। भाई वाइब तो है जगह में, क्रेजी तो है जगह, दिखने वाइज भी और वाइब फील भी मस्त है यार। ये बिल्कुल डेड एंड पे आ गए, इधर से जाके मंदिर है, घूम के बोलो देख के आते हैं। धूप निकल गया है, ऐसा ही है यहाँ का, कभी धूप कभी बारिश। आम, ये आम कह रहा हूँ, सेब के पेड़, सेब निकले रखे हैं। अब फिर से गांव के बीच से निकलते हुए वापस चलते हैं अपना, हर घर में तो सेब के पेड़ लगे हैं। तो ये जो पूरी विलेज है मस्त सी, इसका नाम है बगोरी विलेज, इसके बारे में सब कुछ लिखा है, आई होप सो दिख रहा हो। ठीक है मैं और पास चला जाता हूँ, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर है कि हम कितने हाइट वगैरह पर हैं, क्या एल्टीट्यूड मैग्नीट्यूड वगैरह है, जगह है यहाँ से कितनी कितनी दूर हैं। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब एक हेरिटेज टाइप इन्होंने घोषित कर दिया है। नज़ारे तो हैं गाइस जो भी को, बढ़िया बढ़िया एकदम। ये हमने बाइक खड़ी कर दी है, ये नज़ारा है मस्त, यहीं पे रुके हैं थोड़ी देर, ऐसी थोड़ी देर वहाँ पीछे बैठे हुए थे। यहाँ फिर से जाम लगा है गाइस ट्रक की वजह से, खूम फो भाई, और भी गाड़ियाँ हैं सिर्फ, नॉट ओनली ट्रक। हाँ तो भाई हम आ गए थे हर्षिल से 8-9 किलोमीटर आगे, जो भी पुल था यहाँ से जो पहला वैली का व्यू मिलता है, और हमने यहाँ लिया है ये शोभा पैलेस है जो सामने, इसमें कमरा ऐसे बहुत ही बेसिक है, मतलब ऐसे कुछ वो भी नहीं, और हमें ऐसे कुछ चाहिए भी नहीं, हमें बस रात को देखना है। 500 रुपये का कमरा एक रात के लिए, कमरा मैं तुमको रात में दिखा दूंगा, या फिर अभी जब सामान रखने आऊँगा तब दिखा दूंगा, उसके बाद यहाँ चलते हैं आगे। ये एक बेड है अच्छा खासा बड़ा, ठीक है, तो एक टेबल मिल जाएगी, पिंक कलर है वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और इधर अपना वॉशरूम, इधर ना वॉशरूम हो गया, ठीक है, इतना ही रूम है छोटा सा प्यारा सा, और इधर ये व्यू हो जाएगा मस्त, इधर को जाके छत से जाके और बढ़िया दिख जाएगा, हमारे होटल की छत से ये नज़ारा आएगा गाइस मस्त। वहाँ घोड़े दिख रहे हैं वहाँ, वो वहाँ पे, वहाँ चलते हैं अभी बाइक लेके, टाइम लेस रिकॉर्ड करने का मन है मेरा। फिलहाल तो हम पैदल घूमने निकल रहे हैं, 5:40 हो रहे, 6 बजे के कुछ पे अंधेरा हो जाएगा, होने लगा मतलब 6:30 तक हो जाएगा, 6:30-7 तक। आज उधर ऊपर देखो क्रेजी हो रहा है, माहौल तो ठंडा है देखो। अदरवाइज फिलहाल हम यहाँ बैठे हैं आगे पुल के इधर, उधर हमने कैमरा लगाया है जो मेरा टाइम लेस रिकॉर्ड कर रहा है। एक और क्रेजी चीज़,
आ गए थे भाई टाइमलेस वगैरह रिकॉर्ड करके, तो स्क्रीन पे आ गया होगा। बाकी अभी तो 6:30 भी नहीं हुए, हर्षिल को जितना एक्सप्लोर करना था कर लिया, वो हमने तुमको दिखा भी दिया हर्षिल में क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे हर्षिल के बारे में? जोर से बोलना बस। क्या कहूँ मैं, ठीक है बस, ठीक है बस। हाँ, नज़ारा खूबसूरत। दिक्कत क्या है, थक जाता है आदमी, फोर व्हीलर के लिए ठीक है। बाकी ये ब्लॉग यही खत्म करते हैं, खाना तुम क्या दिखाना क्या करोगे फिर, जान के क्या क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक शेयर ब्लॉग कंपेरिजन रिव्यू में, बाय बाय। उसके बाद लास्ट ब्लॉग आएगा घर जाने का, उसमें कुछ सिनेमेटिक डालने की कोशिश करूँगा, तो देख लेना। ठीक है, बाय। Thank you.